हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ रिव्यू ब्लॉग्स एंड राइट्स पे। मेरा नाम है देव और हम आए हुए हैं यहाँ पोबितोरा पे। आज है डे वन और हम रुके हुए हैं मायोंग विला पे। मैं ज़रा आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ फोटो विंटेज फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, अच्छा लगता है। और दूर पीछे साइड बैक साइड ये है राइस फील्ड्स, यहाँ पे खेती होती है, चावल की खेती होती है। बहुत ही दूर तक आपको दूर पे शायद ब्रह्मपुत्र दिख रहा होगा। और हम यहाँ पे आए हैं गाड़ी से और बाइक से। वो रही मेरी बाइक खड़ी हुई है वहाँ पे, बजाज एवेंजर 220। मज़ा आया। ये पोबितोरा जो है गुवाहाटी से 50 किलोमीटर्स दूर है, तो आप कभी भी जैसे भी आ सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं। तो ये है इंटीरियर्स, यहाँ पे पेंटिंग्स वेंटिंग्स हैं, कुछ बुक्स रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है। और ये दो रूम लिया है हमने, ये 106 है, बड़ा वाला रूम है, ये 3 बेड है इसमें। बहुत ही क्लीन है, बहुत ही नया है, बिल्कुल यूजर नया बना हुआ है और बिल्कुल बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही क्लीन है। बेड्स काफ़ी अच्छा, गद्दे मोटे गद्दे हैं, एसी रूम है और तीनों तरफ खिड़कियाँ हैं। बहुत ही मतलब खोले तो बहुत मस्त हवा चलती है। बाथरूम वाथरूम सब क्लीन है। चलिए आपको अब दिखाते हैं बैल्कनी और बैल्कनी से व्यू। ये रहा अपना बैल्कनी, यहाँ पे बैठने की जगह है, टेबल्स है और दूर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सामने पहाड़ है और साइड में शैक्स बने हुए हैं। यहाँ पे हम शाम को बैठेंगे, बहुत ही अच्छा व्यू है। सुबह सुबह यहाँ पे कोहरा थोड़ा सा फॉग होता है, बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल फील से भरा हुआ है। और सामने ही हाईवे है, बिल्कुल ऑन द रोड है। तो हम पहले अभी जाने वाले हैं बोटिंग पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो वो हमारा बोट है और हम अभी कंप्लीट बोट लेके जाने वाले हैं ब्रह्मपुत्र सनसेट देखने। तो बहुत ही खूबसूरत समय है, बिल्कुल हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हम निकल पड़े हैं, हम लोग जाने वाले हैं दोरंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ। जो सामने आइलैंड है वो दोरंग पे है, वहाँ पे हम लोग लैंड करेंगे और सनसेट देखेंगे वहाँ से। और ये अपना छोटू सेलर मनी सरकार, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे डॉल्फिन्स दिखते हैं, वो रहा आप देख रहे होंगे, वो गंजेस डॉल्फिन है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। आप यहाँ पे बिल्कुल मस्त देख सकते हैं। और वो रहा अपना आइलैंड और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल सैंड नदी पे जो होता है, रिवर आइलैंड है, सैंड से बना हुआ। यहाँ पे वैसे बिल्कुल खाली नहीं है, लोग रहते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं वहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं, कपड़े वपड़े धो रहे हैं। और छोटू फिशरमैन ये अपना फ्रेश वाटर फिश पकड़ रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। ये अपना बोट है, तो आप बोट किराए पे ले सकते हैं 300 पूरा बोट के लिए। आप फिर कितने भी ऑलमोस्ट 15-20% यहाँ पे ले सकते हैं, एकोमोडेट हो सकता है। और बोट लिए तो पूरा बोट आपका, अब 2 आदमी है या 20 आदमी है, और बिल्कुल फ्रीडम रहता है, कहीं भी जाइए। ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, सूरज डूबने ही वाला है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल सूरज एकदम गोल्डन हो रखा है, थोड़ा सा फॉग टाइप का है, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ उतर चुके हैं आइलैंड पे। उतरते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, प्लैंक थोड़ा सा पतला है, तो अगर एज्ड लोग हैं तो थोड़ा सा संभल के रहेगा सीनियर सिटीजन के लिए। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बीच है सामने, बिल्कुल सैंड, वाइट सैंड वाला बीच है। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही फैला हुआ, बहुत दूर तक है, जैसे कि मैंने कहा दोरंग डिस्ट्रिक्ट पे है। और बहुत ही मस्त है, यहाँ पे लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे दूर पे लोग नहा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा कुछ ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मेरी वाइफ सुजाता, ये भी फोटोग्राफी चल रहा है इनका। और सूरज जो है ऑलमोस्ट डूबने वाला है। तो अपना आइलैंड का हो गया, हम लोग अभी वापस जा रहे हैं गुवाहाटी साइड, जाकि पोबितोरा की साइड। कल वीडियो आने वाला है, डे 2 वीडियो जो है वो आएगा पोबितोरा वाइल्ड लाइफ पार्क का, जीप सफारी, एलिफेंट सफारी, उस सब का। आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर वो देखना है। और बहुत ही मस्त, बहुत ही मज़ा आया, बोट राइड पे, रिवर क्रूज़, बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे खाना चल रहा है, खाना पीना, चिप्स। और ये हूँ मैं, कैप्टन ऑफ द शिप, और हम जा रहे हैं पोबितोरा की तरफ। जब सूरज की किरणें जब रिफ्लेक्ट होता नदी से, बहुत ही मज़ा आ रहा था इस टाइम पे। जैसे कि आप किसी दूसरे दुनिया पे चले जाते हैं, मतलब इतना शांति रहता है, कोई साउंड नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही मस्त है। आप बिल्कुल यहाँ पे बैठ के, चुप से बैठ के, ध्यान से बिल्कुल नेचर में खो सकते हैं। तो ये है अपना बोट ब्रह्मपुत्र क्रूज, और हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे मायोंग विला।
और चाय नाश्ता चल रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा सेशन चल रहा है बातचीत का, जैसे कि फैमिली अगर साथ में हो जैसे होता है। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खाना इसका अच्छा है, रिजॉर्ट बहुत ही अच्छा है। अभी बिल्कुल नाइट टाइम 7 बज रहे हैं, चांद निकलने ही वाला है पहाड़ों के पीछे से, और बहुत ही दिन बहुत ही अच्छा रहा। और ये अपना व्यू है बैल्कनी, और वो है अपना मेस, वहाँ पे खाना पीना होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, डे 2 पे, बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल।